हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है सबके। आई होप सही होंगे। आज एक टॉपिक दिमाग में आया तो आपको पता सिखा दूँ, बता दूँ उस चीज़ के बारे में। एक वर्ड सुना होगा आपने, सिविक सेंस। अगर नहीं सुना तो आज सुन लो। सिविक सेंस होता क्या है? सिविक सेंस वो चीज़ है जो हम लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं बचा, कभी था ही नहीं, और जितना थोड़ा बहुत था वो चला गया है, और अब हम कोशिश भी नहीं करते उसको सीखने की या उस चीज़ को अपने अंदर लाने की। तो सिविक सेंस है क्या? सिविक सेंस वो हरकतें हैं, वो चीज़ें हैं जो आप करते हैं जिससे समाज को फ़ायदा होता है, जिससे लोगों की परेशानियाँ दिक्कतें कम होती हैं, जिससे मतलब हर चीज़ को उससे फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कि अगर किसी रोड पर जैम लग रहा है और आप रॉन्ग साइड से अपनी बाइक या गाड़ी लेके जाते हैं, तो आपके अंदर ये सिविक सेंस नहीं है कि मैं और जाम को बढ़ा रहा हूँ, मुझे अपनी साइड पर ही रहना है। अगर आप कहीं पे भीड़ वाली जगह अपनी बाइक या अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तो आपको ये सेंस होना चाहिए कि मैं रोड तो नहीं जाम कर दूंगा, क्या मैंने अपनी बाइक या गाड़ी सही जगह लगाई है। और एग्ज़ाम्पल है जैसे कि आपने आप जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने, बहुत सारे खड़े रहते हैं पेडलर वगैरह, आप उनके यहाँ चाउमीन टिक्की या कोई शेक या कुछ भी खाते हैं, तो वो अपने पास वो रखता है डस्टबिन, तो आपके अंदर ये सिविक सेंस नहीं है कि आपने वहीं फेंक दिया, ये नहीं है कि डस्टबिन रखा है उसमें डालना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं कि सिविक सेंस है। अब हम लोगों से सिविक सेंस बिल्कुल जा रहा है, ख़त्म हो चुका है, इसलिए चीज़ें दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड है, जर्मनी, पोलैंड, ये चीज़ें हैं, या जापान है, वहाँ बहुत डिसिप्लिन है। तो हमें लगता है कि यार वहाँ कितना अच्छा है सब कुछ, वहाँ कूड़ा नहीं होता, वहाँ लोग कितने सही से रहते हैं। तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि उन लोगों के अंदर सिविक सेंस है, वो समझते हैं अपनी जिम्मेदारियों को, वो समझते हैं उन चीज़ों को जो ज़रूरी है समाज के फ़ायदे के लिए, उनके फ़ायदे के लिए भी, क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड। अगर आप कोई हरकत ऐसी करेंगे, आप किसी चीज़ को बिगाड़ेंगे, तो उससे दूसरा अफेक्ट होगा, दूसरा करेगा तो उससे तीसरा अफेक्ट होगा, सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो अब चीज़ें अपने अंदर लानी कैसे हैं, ये सबसे पहले लापरवाही छोड़नी पड़ेगी। थोड़ी परेशानी स्टार्टिंग में होगी, दिक्कत होगी, अपने घर से, अपने रूम से, अपनी फैमिली से चीज़ें स्टार्ट करें करना। अगर पानी पी रहे हैं किचन से लेके, तो गिलास सही जगह पर रखें, खाना खा के बर्तन किचन में रख के आएँ, अपने रूम में ही छोटा सा डस्टबिन रखें, अगर कोई चीज़ वहाँ पे खा रहे हैं, कूड़ा कर रहे हैं, तो वो उसमें डालें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कोई भी जगह अच्छी नहीं होती, जगह सब एक सी है, धरती पूरी एक सी है, जो डिफरेंस है वो अल्टीट्यूड का है, लैटीट्यूड का है, कुछ जगहें ऊंचाई पे हैं, कुछ जगहें नीचाई पे हैं, मगर धरती सब जगह समतल एक जैसी है। जगहों को अच्छा और अलग बनाते हैं वहाँ के लोग, वहाँ के लोग कैसे। अब जैसे हमारे बिजनौर की बात है, हमारा बिजनौर अच्छा है, क्यों? क्योंकि बिजनौर के लोग अच्छे हैं। तो ऐसे ही अगर आप ग्रेटर लेवल पर देखो या किसी स्मॉलर लेवल पर देखो, चीज़ें जो हैं वो लोगों से हैं। अगर आपका एक पर्टिकुलर कॉलोनी है, आपका मोहल्ला है, अगर आपके मोहल्ले के लोग ही अच्छे नहीं हैं, तो फिर क्या आप उस मोहल्ले में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना, क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। और चाहे चीज़ें कितनी भी ख़राब हों, आपके आसपास के लोग, पड़ोसी अच्छे होंगे, उनके अंदर से एक सेंस होगा या उनको ये चीज़ें बताऊंगी कि कैसे होती हैं, तो वो ऑब्वियसली मोहल्ला अच्छा होगा, वो डेवलप होगा, वहाँ हाइजीन होगी प्रॉपर। तो ये चीज़ें हैं, हम लोगों को अब 2024 में इन चीज़ों पर ध्यान करना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और हमें कैसे उनको फुलफ़िल करना है और पूरा करना है। अब हम हर चीज़ प्रशासन पे, हर चीज़ सरकार पे, या हर चीज़ दूसरे पे नहीं थोप सकते। हमें देखना है कि अपने इंडिविजुअल लेवल से हम क्या चीज़ें कर रहे हैं। हम एज ए इंडियन, हमारे पास सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन है, और पैसा सब कुछ है, बट स्विक सेंस कहाँ गया? मैं देखता हूँ ट्विटर वगैरह पे कई सारे पेजेस हैं, लोग लड़ते रहते हैं आपस में, या फिर वो अननेसेसरी इश्यूज जो हैं उनको लेके लड़ाइयाँ होती हैं कि ये हो गया वो हो गया। सो स्टॉप डूइंग दैट, स्टार्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन। आज से ही शुरू करो, अभी से ही शुरू करो, चीज़ों को इंडिविजुअली अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके करना शुरू करो, अपने घर से, अपने रूम से। कि जब मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टार्ट आप उसे कर सकते हैं।
जब आप सुबह को सोके उठे तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको अपना बेड प्रिपेयर करना है। जहाँ भी आप सोते हैं वो आपका पिलो है, वो आपका ब्लैंकेट है, उसको तय कर कर फोल्ड कर कर रखना है, छत को साफ करना है। दैट इज़ योर फर्स्ट टास्क। आप ये 10 दिन कर लोगे बहुत चीज़ें बदलेंगी इससे। आपको एक फीलिंग आएगी कि यार मैंने कुछ किया आज स्टार्टिंग में, ठीक है। जो चीज़ें घर में जहाँ रखी रहती हैं ना, जहाँ से उन्हें उठाओ तो उसे वहीं रखो, ये सिविक सेंस। जो चीज़ जहाँ पार्क होती है, जो गाड़ी जहाँ लगानी है उसे वहाँ लगाओ। देख करके यार मेरे इस एक्शन से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही, या मैं कैसे दूर कर सकता हूँ ये परेशानी किसी की अपने इस चीज़ से। उसके बाद जो आप खाना खा रहे हैं, खाना हम लोग जैसे खाते हैं तो मम्मी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किचन में रख के आओ, उनको खाना रख के आएंगी, तो हमें देखना है कि खाना हमने खा लिया, जो बर्तन है, जो प्लेट्स हैं, वो ग्लास है, हमें किचन में रख के आना है, हमें थोड़ा सा उनकी हेल्प करनी है। शाम में हमें चीज़ें जैसे कि सपोज़ हम बाहर जाते हैं, सब कुछ रोज खाने जाते हैं, 6-7 बजे लड़कों का टाइम होता है कि वो बाहर निकल जाते हैं, वहाँ कुछ खाने जाओ। आप किसी रेस्टोरेंट में या आप किसी स्ट्रीट फूड की जगह पर खड़े हुए कोई चीज़ खा रहे हैं, तो जब आप वो चीज़ खा लें तो प्रॉपरली अपने जो आपने उसका रैपर है, जो उसका जो भी चीज़ है, जो उसका वेस्ट है, उसको प्रॉपर डिस्पोज कीजिए जहाँ उसकी जगह है। चाहे 10 लोग नहीं कर रहे हैं, आप करना शुरू कीजिए। आप करेंगे तो आपको देख के लोग सीखेंगे। डिसिप्लिन बनिए, घर आइए, डिनर करिए, आप वही चीज़ें जहाँ पे खा लिया, बर्तन रख के आना, ये और वो, उसके बाद थोड़ा सा रीडिंग करने की कोशिश कीजिए। ये क्या यार, आपका अटेंशन स्पैम टाइम गलत हो चुका है। देखिए 15 सेकंड के इंस्टाग्राम रील देखी और उसके बाद आप देखते नहीं हैं। अच्छे पॉडकास्ट हैं यूट्यूब पे, अच्छे चैनल्स हैं, अच्छे ब्लॉग्स हैं, उनको देखिए, उनसे सीखिए लोग क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ें वो आपको सिखाना चाह रहे हैं। देखिए बहुत प्यारी सेइंग है कि नथिंग इज़ न्यू अंडर द सन। या तो आप कोई चीज़ कहीं देख कर सीखेंगे, या कोई आपको सिखाएगा, या आप उसे कहीं पढ़ेंगे, ऐसे खुद तो चीज़ें नहीं आएंगी। सो आप ये देखिए कि मैं क्या चीज़ पर कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ इंटरनेट पे, मैं क्या देख रहा हूँ यूट्यूब पे, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, क्या फ़ायदा मुझे इससे होगा, मेरी फील्ड का है। तो एंटरटेनमेंट एक चीज तरीके से सही है कि आपने चीज़ें देख ली, चलो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कंटेंट को उसको कंज्यूम करिए जो कंटेंट आपके फ़ायदा का हो, आपके काम आए। एक और चीज़, रात में बाहर निकलना अननेसेसरी, चाय की दुकानों पर खड़ा होना या कुछ ऐसी शॉप्स पर खड़ा होना जहाँ पर रात के बिना बात के आप लोग वहाँ खड़े हैं, बहुत सारी इसमें रील भी बनती हैं कि पुलिस एट चाय टपरी, कि वहाँ पर जब आप चाय पी रहे होते हैं 11-12 बजे के आसपास, तो वहाँ पुलिस आ जाती है, वो पूछती है क्यों खड़े हो यहाँ पर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उससे इशूज़ होते हैं। सो एक प्रॉपर टाइम बनाइए अपने घर में आने का। घर में आके किताबें लाइए, किताबें पढ़िए। किताब भी आपको नहीं पढ़नी है तो यूट्यूब है, सबके पास 1.5 GB 2 GB इंटरनेट रोज होता है। एक अच्छा पॉडकास्ट लगाइए, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए और चीज़ों को सीखिए, बदलिए चीज़ों को। अब हमें दिखाना होगा कि वर्ल्ड में कि हम भी स्विक सेंस रखते हैं और हम भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं पाया इस वीडियो में कि क्या क्या स्विक सेंस में आता है और क्या क्या आप चीज़ सही कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने एग्जांपल दिए हैं आई होप उनसे आप लोग समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं और कैसे अपना सिविक सेंस डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, ताकि एनवायरनमेंट की, ताकि समाज की हर चीज़ की हेल्प हो, ठीक है। तो चीज़ों को अप्लाई कीजिए और थोड़ा चेंज लाइए, ठीक है, पॉजिटिव चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।